फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज आपको रेगुलरली मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज की डिश है हेल्दी भटूरे जो कि गेहूं के आटे से बनेंगे। मैदे का यूज़ इसमें नहीं होगा और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इनो जैसी चीज़ों का भी यूज़ इसमें नहीं होगा। तो आटे को फर्मेंट करने के लिए सबसे पहले हमें एक मिक्सचर बनाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है एक छोटा बोल, उसमें डालनी है आधा कप दही, एक चौथाई कप हल्का गर्म पानी, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच चीनी, दो चम्मच देसी घी या रिफाइंड ऑयल, अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक कवर करके हमें छोड़ देना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसमें हल्के हल्के बबल्स भी आने लगे हैं। लेना है एक बड़ा मिक्सिंग बोल। मिक्सिंग बोल में डाल देना है 250 ग्राम गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को मैंने बारीक छन्नी से छान लिया है, आप चाहे तो कॉटन के कपड़े से भी इसे छान सकते हैं। अब इसमें डाल देना है 2 चम्मच सूजी, 1 स्पून की मदद से इसमें एक छोटा सा होल कर देना है। अब इसमें डाल देना है बनाया हुआ मिक्सचर। अब 1 चम्मच घी या रिफाइंड ऑयल। अब हाथों की मदद से हमें सारे मिक्सचर को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। डो में डालना है हल्का गर्म पानी और जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे गूंथना है और डो को हमें रोटी के आटे के जैसा ही सॉफ्ट गूंथना है। डो गूंथ गया है और ये काफी सॉफ्ट है। अब हाथों में लगाना है ऑयल और डो को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्मूथ कर लेना है। अब इसके ऊपर लगा देनी है थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल। अब कॉटन के कपड़े से इसे कवर करके 15 से 20 मिनट तक हमें रख देना है। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं और आटा भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अब इससे बना लेनी है हमें लोइयां। लोइयों को स्मूथ करते हुए हमें बनाने हैं भटूरे। हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही बेलना है और थोड़ा बड़ा बेलना है। ऐसे ही हमें भटूरे की सारी पूड़ियाँ रेडी कर लेनी है। भटूरे की पूड़ियाँ बेल गई हैं, अब हम इसे छानेंगे। तो हमने लिया कढ़ाई में ऑयल, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम कर देनी है मीडियम। अब हमें इसमें भटूरे की पूड़ियाँ डाल देनी है। अब हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे फूलने देना है। भटूरे बिल्कुल बढ़िया से फूल गए हैं। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन या क्रिस्पी कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपने सारे भटूरे रेडी कर लेने हैं।
भटूरे रेडी हैं और कितने बढ़िया भटूरे बन करके रेडी हुए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट भटूरे बने हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही स्वादिष्ट रेसिपीज आपको रेगुलरली मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।